गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फिर से शुरू करती हूँ अपना नए दिन की शुरुआत। और आप सबको पता ही है शिवम के अब ऐसे ही दिन चल रहे हैं। 12th की एंट्री की है इसने, तो इसके दोस्त का आज का बर्थडे आने वाला था, तो फिर मैंने ये क्लिप इसीलिए लेट लगाई क्योंकि शादियों का सीजन चल गया था ना। तो अब उस क्लिप को भी मैं दिखाऊंगी आपको आगे। और उसके लिए लेने गया शिवम गिफ्ट या कुछ भी सामान जो डेकोरेट से रिलेटेड या वो दोस्त वगैरह मनाएंगे। बच्चे हमें बताते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप सबको भी इतना ही रहना चाहिए कि उसके साथ शेयरिंग केयरिंग इस तरह रहे कि उसने बताया आपको इन्वॉल्व कर रहा है। तो चलिए, इसके इन्जॉयमेंट में मैं साथ रहती हूँ, ये मेरे साथ रहता है। मुझे घर से नीड से रिलेटेड भी चीज़ें ज़रूरत थी और जिनको मुझे गिफ्ट करना था, जैसे कि आपको पता है नई नवेली बहू आ रखी है घर में, तो मुझे भी उसे जो कुछ देना था उसके लिए भी कुछ ना कुछ लेके चलेंगे। और उसके बाद घर की कुछ ज़रूरतों का सामान जो आपको दिखाई देगा आगे। चलिए, के लिए कह रहे हैं हम तो उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। हाँ, उम्मीद तो थी, देता तो सही, पर बाकी ये था कि अभी का कोई सीन ना। एक ऐसा पॉइंटिंग कर सकता है, मुझे लग रहा है। क्या चीज? दोस्तों कुछ मिला? 300। तो बसंती की गब्बर भी ना चलेगा। अब तू पकड़ और ब्लॉगिंग कर, अपने आप ही करेगा। फिर मेरे वो रहेगा कि मैं तो बनाऊं। आपका वो रहता है, वो बोल ना रहता। मैं तो ही ब्लॉगिंग का हो जाए। अब बैठ ला बच्चे बोलो, कहाँ आई हो आप? हाँ, मैं आई हूँ स्मार्ट बाजार। ये रहा हमारा स्मार्ट बाजार। और यहाँ पर है, यहाँ पे ऑफर चल रहा है, ये बाय टू गेट वन लेस पे भी कोई सा फ्लेवर। हाँ। और सेम ऑफर चल रहा है डोरिटोज पे, जिससे सालसा बनाते हैं। हमने कौन कौन से लिया? हम ये ले रहे हैं डोरिटोज और लेस। एक इसका ये वाला फ्लेवर ले लो, दो लाल लो, एक ये लो। तीनों को एक एक दे देंगे। जूस जूस दे दो, किसी ढंग की सी चीजें दो। देख पापड़ देखते हैं, टोकरी पोकरी ना बना के जैसे ऐसे देंगे ना, अलग अलग बहुत सारी चीजें, वो देख के भी खुश होंगे। और गिफ्टेड चीजें अच्छी लगती है ना, जो ऐसे देंगे ना, ये लो। हाँ सही बात, क्योंकि गिफ्ट में ना ये सब चीजें अच्छी लगती है। ये क्या? फेस्टिवल फ्रेशनेस। हनी बोटल देंगे, कुछ नया ना, कुछ नया। हाँ। नो करा हो वो हम करेंगे। आज हम वहाँ पे बैठ लो। कह रहा है किस वजह? नहीं पता किसकी है। 15 किलो वेट है बस। किसका? मेरा 15 किलो वेट, 15 किलो के हिसाब से मैं 10-12 दूँ। चलो, जो चीज़ें भरी पड़ी हैं। एक चॉकलेट ले ली ना, तीन ले, तीन आती। अगर किसी को भी दें तो कम से कम जूस वगैरह लेके देंगे, ताकि पापड़ पसंद है सजल को, सजल के हिसाब से पापड़ वगैरह खरीद के, और तुझे जो पसंद हो एक एक चीज तुम आज चॉइस कर लेंगे, क्योंकि अब्बा वगैरह के तो होंगे। और पापा जी के लिए बता क्या लेना। हो गई फाइनली हमारी, जो हमारा सामान लेना था चल रहे। जब फाइनल डिसाइडमेंट रहे हुए ना कि क्या लेना, तो इसलिए जल्दी हो आज सारी चीजें बढ़ी। क्या वहाँ चलना, मामा के यहाँ चलना? हाँ देख से भी, ये जो है कौन मेरी तरह ऐसे करता है जो अपनी चॉइस का भी सामान जरूर लेता है। और कौन कौन ऐसे हैं जो अपने बच्चों से रिलेटेड ही उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग सामान लेते हैं। देखिए, मैं तो खुद ही इतनी फूडी हूँ, खुद ही इतनी चॉइसेबल हूँ कि मुझे अपनी चीजें
मतलब चॉकलेट खाना पसंद है, चिप्स खाना पसंद है, कुरकुरे खाना पसंद है, नमकीन की मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, तो आई एम ऑल्सो फूड लवर। तो फिर मैं तो भाई खुद ही पहले अपने इंटरेस्ट से जो चीज़ें मुझे पसंद है वो मैं खरीदती हूँ, और उसी में मेरे बच्चे खुश रहते हैं। और ये फ्लावर का एक साइड अप था जहाँ पर मुझे फ्लावर्स का भी बहुत ज़्यादा शौक है। चलिए अब लेंगे, देख लिए कुछ ले लेते हैं और फिर उसके बाद करेंगे बिलिंग और घर चलेंगे। चीज का प्राइस चेक करवा लिया? हो गया 9911 कि कुछ अच्छा क्या बुरा है ना। वेलवेट है नहीं पर ज्यादा, और जितनी महंगी रहे तो पानी पड़न मिल देते। हाँ ये बनारस गई थी तो ये भैया ने हाथ से दिलवाई थी, फिर मैंने सोचा अब कोरी भी है तो अहो ही आती है ना, निकरवा चौथ तो मैं लहंगा ही डालती हूँ कभी भी। हाँ चाहे डिफरेंट टाइप का हो, चाहे न्यू हो, चाहे मेरी शादी का वो वाला टाइप हो, दुनिया भर की नहीं सब। ये मेरा मतलब पहले से, मेरी तो सासू माँ भी कहती थी कि कम से कम तुझे देखे तो प्रॉफिटेबल हूँ कि तू यूज कर ले। वह नहीं, बहुत सी ना लेडीज नहीं करती ना, वो पुराना होगा या, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने सुहाग का लहंगा कुछ ना कुछ नई चीजें करवा दी। और ये हमारे आई है रामिन, बोलते हैं क्या बोलते हैं बोलो इन्हें, ये वाई वाई है, अच्छा ये वाई वाई है पर नेपाली में लिखा हुआ है, ये वाई वाई हल खराब होती है। और ये लाया इसका फ्रेंड कहाँ से बोलो, नेपाल से, ये यहाँ पे मिलती है, और स्पाइसी करके बनाएंगे हम, कैसे चटनी दी मेरी तो इससे काफी दिनों से नहीं कुछ मांग रहा था, और उसके बाद ये ले, और ये यहाँ पर मिलती भी नहीं है। तू वो कर दियो सुन, मतलब ऐसे कर दियो, ऐसे करके मैं तेरी आंख लाल कर दूंगा, जीप पे आग लगा दूंगा और तगड़ा वो होना है ना, और वाई वाई तेरे चेहरे के देखा बोलो, ये तो हमारे यहाँ मिलती है, वाह वाह ये मिलती है, और ये वाली मिलती है बनी बनाई, देखो जैसे इस पे नेपाली में लिखा हुआ है वाई वाई, तो यही चीज हिंदी में लिखी है वो इंग्लिश में, हमारे यहाँ मिलती है वाई वाई, पता ना कहीं बनी हुई देखी है मैंने या कुछ भी है, और ये पता कैसे चला हमें, क्योंकि सेफ पैकेट है वाई वाई। मेरा समय हमेशा बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे से निकल जाता है, एज ए फ्रेंड मेरे साथ ट्रीट करते हैं, जो भी इन्हें बनाना करना होता है वो पहले मेरे से डिसाइड करते हैं कि मम्मा क्या खाना है क्या बनाना है, फिर वो भी कुकिंग साथ में मिलके करा देते हैं, कुछ काम मैं करती हूँ कुछ काम ये करते हैं, समय का कुछ पता नहीं चलता कि किस तरह से काम हो गया, और मस्ती की मस्ती रहती है। और अगर सबसे बड़ी बात होती है नॉलेज की, वो जिसे माँ की ज़रूरत होती है बच्चों को, वो ये मुझसे डिसाइड करवा लेते हैं किस ना क्या क्या करना है कैसे होता है, उसमें इन्हें एक्सपीरियंस भी हो जाता है, मैं भी इन्हें देखती रहती हूँ, तो जिसको रोटी खानी थी उन्होंने रोटी खाई, और जिसको मैगी ये नई वाली ट्राई करनी थी ये इसका फ्रेंड लेके आया था, तो इस भोलू ने और सेजल ने मिल के बनाई थी। तो चलिए इसी तरह से हो गया हमारा काम ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला दिन हो गया था, ये थी शिवम की पेरेंट्स मीटिंग का, तो पहले वाला सीन मैंने आगे क्लिप डाल दिया है, और जब मैं रेडी हुई थी घर से निकलने के लिए वो बाद में आएगा, तो ये मैंने क्लिप पहले यूज़ की है। तो देखिए ये है इसका पीटीएम रूम। नो वायलेंस क्या होता है ये देखो, जैसे गांधी जी, गांधी जी उन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई, अच्छा उन्होंने कहा था नो वायलेंस ऑन बर्थडे, उधर पहुंच चल, नो वायलेंस, नो वायलेंस।
3, 2, 1, बूम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। वो तो काट, मैं दोनों काट, ये काट, ये मेन है, ये बर्थडे है, रह बर्थडे। लव पहले प्यार से हमें खिला दोगे भाई? खिला पहले भाई, नॉन वायलेंस पहले, नॉन वायलेंस। चाकू चाकू खिलाएगा, वायलेंस कर रहा है। साहिल भाई वो खड़ा, साहिल भाई क्या कर रहा है? चल आजा प्यार से केक खा ले, आ रहा भाई प्यार से, एकदम प्यार से आजा। अक्स तू कौन से प्लेनेट का ये बता? असल में जादू के प्लेनेट से आया हूँ अभी अभी, 15 मिनट पहले। ऋषि तो है ही नहीं पर यहाँ। ये गोला कौन सा है? ये गोला बता। लिए ये था इनका बर्थडे और बहुत एंजॉयमेंट किया बच्चों ने आपस में साथ में। आई एम सपोर्ट विद ऑलवेज, क्योंकि इसी तरह से हंसी मस्ती से इनकी उम्र भगवान ने लगाए। चलिए बच्चों, हैप्पी बर्थडे, बाय बाय एवरीवन, एंजॉय माय व्लॉग्स। आज के व्लॉग का यहीं करेंगे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये वाली साड़ी का व्लॉग मिलेगा आपको आगे कंटिन्यू देखने के लिए। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय एवरीवन, हंसी मस्ती के साथ।